कल हमने आपको बताया अपनी वीडियो में कि लैंडर सेफ हो सकता है, सिर्फ कनेक्शन हमारा उससे टूटा है, लैंडर जो है वो सेफ हो सकता है। तो यही हुआ है लैंडर के साथ, ऑर्बिटर ने हमारे लैंडर विक्रम का पता लगा लिया गया है। बस दिक्कत यह है कि वो थोड़ा टेढ़ा पड़ा है सरफेस पर और उसकी लैंडिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आई है। किसी वजह से शायद उनके जो इंजन्स थे जो कि उसको कंट्रोल करते हवा में, जो हवा में उसको नीचे लेकर के आ रहे थे हल्के हल्के, उनमें से शायद एक या दो इंजन ख़राब हो गए और वो वहाँ पर गिर गया। 2 किलोमीटर तक तो हमारा कनेक्शन उससे रहा, 2 किलोमीटर के बाद कनेक्शन टूट गया था। और जो हमारी प्रोजेक्टेड डिस्टेंस थी, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टेड पॉइंट था जहाँ पर लैंड करना था, हालांकि साउथ पोल पर ही उसको देखा गया है, लेकिन जहाँ लैंड करना था उससे 500 मीटर के आगे वो हमको पड़ा हुआ मिला है। ऑर्बिटर ने उसकी थर्मल इमेज कैप्चर की है। अब थर्मल इमेज कैप्चर होती है हीट के माध्यम से, किसी भी हीट के माध्यम से आप थर्मल इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो अब हमने आपको बताया था कल कि ऑर्बिटर में ही मोस्टली वर्क करना था, तो अब नई खबर निकल के ये आई है जो खुशी वाली बात है कि ऑर्बिटर को 95% वर्क करना है और ऑर्बिटर के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है और वो आपको जो सरफेस है चांद की वहाँ की हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स हैं वो दिखा सकता है, काफ़ी अच्छे स्कैनर्स हैं उसके अंदर। तो प्रज्ञान रोवर भी हो सकता है कि वर्क कर रहा हो। अब देखते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी प्रज्ञान का रिलीज़ नहीं किया गया है। जो लैंडर है लैंडर वर्क नहीं कर रहा है, प्रज्ञान रोवर हमारा जो है वो उसके अंदर ही अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये कि 14 दिनों तक अपने आप काम कर सकता है, क्योंकि चांद पर 14 दिनों तक सूरज की रोशनी रहेगी, उसके बाद 14 दिनों तक चांद पर रात रहेगी, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो हमारा जो लैंडर है वो वर्क नहीं करेगा। अभी 14 दिन के अंदर ही वो वर्क कर सकता है और उसको हम ढूंढ लेते हैं, ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं तो एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर 14 दिन हमारे गुजर जाते हैं तो उसके बाद भी तब भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 14 दिन का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा से सूर्य की रोशनी वापस आ जाएगी और हमारे जो लैंडर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम 14 दिन बाद फिर से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि चांद पर वैक्यूम है, वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ आंधी वगैरह नहीं आती है। और इसका रिजल्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग जो कि बहुत बहुत साल पहले जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, उनके पैर का निशान भी अभी तक वहाँ पर वैसा का वैसा ही है, एक भी धूल वहाँ से उड़कर नहीं हटी है। तो हमारे रोवर को और लैंडर को कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। जैसे ही वहाँ पर चांद की रोशनी, जो सूरज की रोशनी चांद पर पड़नी शुरू होगी, उसके बाद से हमारे सोलर पैनल जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और हम फिर से दोबारा कनेक्शन बना सकते हैं, अगर इन 14 दिनों में हम कनेक्शन नहीं बना पाए तो, क्योंकि वहाँ पर लैंडर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जैसा वो वहाँ पर रखा हुआ है वैसा ही वहाँ पर रखा हुआ हमें मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।